हेलो एवरीवन। तो लूसेंट जीके के इस क्लास में आपका स्वागत है। लूसेंट जीके में हमने मेडिवल इंडिया स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म किया है, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कैक्यूबाद जो कि सबसे अंतिम शासक था, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब जो स्लेव डायनेस्टी के बाद जो अगला शासन आता है, जो अगला रूलर आता है, वो आता है खिलजी वंश से। तो अब आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तो खिलजी साम्राज्य, खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर द खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासन रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ही वॉज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था, भतीजा था, और सन इन लॉ था, यानी कि उसका पोता भी था। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अपने को जो था वो राजा घोषित कर दिया 1296 ईस्वी में। ही वॉज द फर्स्ट टर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये पहला टर्की सुल्तान था, पहला टर्की राजा था, दिल्ली का सुल्तान था, जिसने कि धर्म को राजनीति से अलग किया। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप। उसने ऐसा कहा कि जो शासन है, जो राजा है, वो समानता नहीं जानता है। अलाउद्दीन इम्पेरियलिज्म। तो अलाउद्दीन के द्वारा क्या क्या अनेक्स किया गया है, क्या क्या उसने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, इसके बारे में दिया गया है। तो अलाउद्दीन अनेक्स्ड गुजरात। तो गुजरात को उसने कब कब्जा किया? 1298 में। रणथाभोर पर उसने 1301 ईस्वी में कब्जा किया। मेवाड़ पर 1303 में, मालवा पे 1305 में, जालोर में पे वो 1311 में। इन दक्कन अलाउद्दीन आर्मी लेड बाय मालिक कफूर डिफीटेड रामचंद्र। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्मी था, सेना था, वो मालिक कफूर के द्वारा उसे नेतृत्व किया जा रहा था। कहाँ? तो डेक्कन में, डक्कन के क्षेत्रों में। और उसका जो मालिक कफूर था, इसने रामचंद्र को हरा दिया। रामचंद्र कौन था? यादव रूलर ऑफ देवगिरी। देवगिरी का यादव रूलर को मालिक कफूर के द्वारा हरा दिया गया। प्रताप रुद्रदेव ककटिया रूलर ऑफ वारंगल। तो प्रताप रुद्रदेव भी जो था वो अलाउद्दीन का ही एक सैन्य अधिकारी था, यानी कि इसकी सेना इसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये जो ककटिया शासक थे वारंगल के, इन्हें प्रताप रुद्रदेव के द्वारा हराया गया। वीरबल थर्ड ने हराया होयसल रूलर ऑफ द्वार समुद्र। वीर पांड्या के द्वारा पांड्या रूलर ऑफ मदुराई। तो इनको अलाउद्दीन ने इन सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया। अब अलाउद्दीन के द्वारा कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो अलाउद्दीन के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए, इसके बारे में जानते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नोबल्स, अलाउद्दीन इश्यूड 4 ऑर्डिनेंसेस। तो नोबल्स जितने भी थे, उनके द्वारा समस्या जो भी क्रिएट किए जा रहे थे, जो भी समस्या लाई जा रही थी, उनको अवॉइड करने के लिए उसने 4 अध्यादेश शुरू किए थे। 4 अध्यादेश को उसने जारी किया था। द फर्स्ट ऑर्डिनेंस एम्ड एट कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो पहला जो ऑर्डिनेंस था, पहला जो अध्यादेश था, वो किस लिए था? तो रिलीजियस एंडोमेंट्स, यानी कि जो धार्मिक अक्षय निधि होते हैं, उनके जब्ती को लेकर। एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड्स, और जो भी लैंड होते हैं उनके, उन्हें ग्रांट फ्री करना। सेकेंड ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम। दूसरा जो अध्यादेश था, उसके द्वारा उसने जासूस की जो व्यवस्था थी, उसे रीऑर्गेनाइज किया, उसे व्यवस्थित किया। द थर्ड ऑर्डिनेंस प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन। तीसरा जो अध्यादेश था, उसके द्वारा उसने वाइन के यूज को, शराब के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया। द फोर्थ ऑर्डिनेंस इश्यूड बाई अलाउद्दीन लेड डाउन दैट अ नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग। चौथा तो जो अध्यादेश था, उसके हिसाब से अलाउद्दीन का ये आदेश था कि जितने भी नोबल्स थे, उनके द्वारा कोई सोशल गैदरिंग ना किया जाए, यानी कि कोई सामाजिक अगर भीड़ भाड़ जुटती है, उसे ना किया जाए। एंड देर शुड नॉट इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन। और वो अपने आप में मैरी भी नहीं कर सकते हैं बिना अलाउद्दीन के परमिशन के, बिना उसके इजाजत के। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा।
तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा की प्रथा को लागू किया गया। दाग का मतलब क्या होता था? द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़ों का ब्रांडिंग किया जाता था, घोड़ों की पहचान के लिए उनका उन्हें कोई ऐसे चिन्ह दिए जाते थे। चेहरा जो था ये क्या था? तो डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जितने भी सैनिक थे इनके चेहरा के हिसाब से इनकी पहचान बनाई जाती थी, यानी कि इनको पहचाना जा सके कौन कौन से इनके चेहरे में कुछ ऐसी खास बातें थी उसकी वजह से उनको कैसे पहचाना जाएगा, इस व्यवस्था को इसने अपने अपने राज्य में शुरू किया था, दाग और चेहरा की प्रथा। अलाउद्दीन ऑर्डर दैट द ऑल लैंड वाज टू मेजर्ड एंड देन द स्टेट ऑफ द शेयर वाज टू फिक्स्ड। अलाउद्दीन ने ऐसा आदेश दिया कि जितने भी राज साम्राज्य में जमीन है उनको पहले सबसे पहले सबको मापा जाए और उसके बाद से जो राज्य का अलग से जो हिस्सा होगा उसको फिक्स कर दिया जाए। द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुस्तक राज वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पोज ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, यानी कि मुस्तक राज एक स्पेशल ऑफिसर थे, एक स्पेशल अधिकारी का एक पोस्ट क्रिएट किया गया था, एक पोस्ट बनाया गया था जिसका हेड कौन होता था उसे मुस्तक राज कहा जाता था। और ये किस लिए बनाया गया था? तो पर्पोज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि करों को कलेक्ट करने के लिए, जितने भी टैक्स होते थे उनके कलेक्शन के लिए। द पीजेंट हैड टू पे द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू, तो पीजन जितने भी किसान होते थे उन्हें अपने उत्पाद को पे द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू, यानी कि भूमि कर को अपने भूमि कर के बदले में वो अपने उत्पादों को ही दे दिया करते थे। अलाउद्दीन सॉट टू फिक्स कमोडिटी और फिक्स ऑल कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, यानी कि जितने भी सामान थे उन सब का वो चाहता था कि वो फिक्स दाम कर दे, फिक्स कॉस्ट कर दे। फॉर द पर्पोज ही सेट अप 3 मार्केट्स इन दिल्ली, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी वस्तुओं को कॉस्ट को फिक्स करने के लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट खोली। पहला मार्केट था फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए। सेकंड फॉर कॉस्टली क्लॉथ, यानी कि दूसरा जो मार्केट था दिल्ली में खोला था उसने वो महंगे कपड़ों के लिए था। एंड थर्ड फॉर द हॉर्सेस स्लेव्स एंड कैटल्स, यानी कि तीसरा जो मार्केट था वो घोड़ों के लिए था, गुलामों के लिए था और मवेशियों के लिए था। ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हाई ऑफिसर कॉल्ड सहना हु मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द शॉपकीपर्स एंड प्राइसेस। तो जो इस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, जो तीनों मार्केट उसने क्रिएट किए थे उसको नियंत्रण करने के लिए उसने एक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया था जिसे सहना के नाम से जाना जाता था। और जितने भी व्यापारी होते थे, जितने भी दुकानदार होते थे उनके दामों को वो जो सहना जो अधिकारी होता था वो रजिस्टर मेंटेन करता था, उनके व्यापारियों के पूरी तरह से वो नियंत्रण करता था। द चेक ऑन मार्केट वॉज केप्ट बाई 2 ऑफिसर्स, दीवान ए रियासत एंड सहना ए मंडी। तो जो मार्केट पे चेक, यानी कि मार्केट पे जो भी निगरानी करनी होती थी ये 2 अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी। All goods for sale were brought to an open market called Sarai e Adal. तो जितने भी गुड्स होते थे, जितने भी सामान होते थे उन्हें एक ओपन मार्केट, एक खुले बाजार में लाया जाता था जिसे सराय आदल के नाम से जाना जाता था। मेनी फोर्ट्स वेर बिल्ट बाई हिम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम वॉज अलाई फोर्ट। तो इसके द्वारा कई दुर्गों का, कई किलों का निर्माण कराया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और उससे क्या कहा जाता है, सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण किला है उसे अलाई दुर्ग या अलाई किला कहा जाता है। ही कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। तो इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। अलाई दरवाजा किसे कहा जाता था? तो जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था और इसी को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता था। ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कल 1000 सुनतुन। तो इसने 1000 पिलरों वाले, 1000 स्तंभों वाले एक महल का भी निर्माण कराया जिसे 1000 सुनतुन के नाम से जाना जाता था। He was a patron of art and learning. Amir Khusro the poet musician was his court poet. तो ये जो था वो art और learning, यानी कि कला और सीखने का प्रेमी था, और अमीर खुसरो इसका एक दरबारी कवि था, इसका फेवरेट दरबारी कवि था, जो कि एक कवि और म्यूजिशियन था और ये अलाउद्दीन खिलजी का फेवरेट दरबारी कवि था। इन 1316 आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन मालिक कफूर कॉल्ड द 1000 दिनारी सीज द थ्रोन। तो 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है तो मालिक कफूर नाम का व्यक्ति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था उसने सिंहासन को सीज कर लिया। बिफोर कफूर डाइड ही नॉमिनेटेड शिहाबुद्दीन एज द किंग बट इम्प्रेस्ड द एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान।
तो जब मालिक कफूर जब राजा बन गया, तो जब उसके मृत्यु का समय आया तो उसने अलाउद्दीन के 6 साल के बेटी को अगला राजा नॉमिनेट किया, अगला राजा नामित किया। लेकिन जो सबसे बड़ा राजकुमार था, मुबारक खान जिसका नाम था, उसको उसने बंदी बना लिया था। लेकिन बाद में काफूर को मार दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन। तो जब मालिक काफूर को जो रॉयल फैमिली थी, यानी कि जो शाही परिवार था, उसके कुछ उदारवादियों द्वारा, जो भी उसके लॉयलिस्ट थे, उनके द्वारा उसे मार दिया गया, मालिक काफूर को। और मालिक काफूर को के मरने के साथ ही मुबारक खान जो था वो अगला शासक बन गया। तो जो मालिक कफूर था उसने तो अलाउद्दीन के 6 साल को बेटे जो उसका 6 साल का बेटा था उसे अगला शासक नियुक्त किया था। लेकिन जो मालिक कफूर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसने मुबारक खान को बंदी बनाया था, तो वही निकलकर अगला शासक बन जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ काफूर, मुबारक खान वॉज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन एंड वर्क एज अ रीजेंट फॉर शिहाबुद्दीन। तो जब मालिक काफूर की मृत्यु हो जाती है तो मुबारक खान को जेल से रिहा करा दिया जाता है, और वो क्या काम करने लगता है, तो वो एक राज प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगता है शिहाबुद्दीन का। तो शिहाबुद्दीन को मालिक काफूर नहीं, जो 6 साल का लड़का था अलाउद्दीन का, उसे नियुक्त किया था। तो इसी के अंडर ये राज प्रतिनिधि का काम करने लगता है मुबारक खान। ही कैप्चर द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट। तो जैसे ही इसे पहला मौका मिला, इसने क्या कर लिया, तो थ्रोन को कैप्चर कर लिया, अपने सिंहासन को कब्जा कर लिया। बट कुड रूल ओनली फॉर इयर्स एंड ही सैंक इनटू डिबॉचरी एंड कुड नॉट गिव अप हिज डिसिपेटेड लाइफ स्टाइल। लेकिन जो मुबारक खान था, इसने मौका पाते ही शिहाबुद्दीन के थ्रोन को अपना लिया, उसके सिंहासन को हड़प लिया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये शासन नहीं कर पाया। ही सैंक इनटू डिबॉचरी, यानी कि वो अयासी करने में, भ्रष्टाचार करने में वो पूरी तरह से डूब गया, और वो जो आरामदायक लाइफ स्टाइल था, डिसिपेटेड लाइफ स्टाइल था, वो उसे नहीं छोड़ पाया। ही अवॉर्डेड हिज लवर मुबारक हसन अथॉरिटी ओवर आर्मी एंड पैलेस गार्ड्स हु सून ऑब्टेन्ड फुल कंट्रोल ओवर सुल्तान पैलेस। तो जो मुबारक खान था उसने अपने एक प्रेमी मुबारक हसन को सारी अथॉरिटी प्रोवाइड कर दिया था कि आप ही आर्मी को देखेंगे, आप ही महल को देखेंगे, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल जो था वो सुल्तान का, महल का जितना भी कंट्रोल था वो मुबारक हसन अपने हाथों में ले लिया। मुबारक हसन वॉज गिवन द टाइटल खुसरो खान बाय द सुल्तान। तो मुबारक हसन को मुबारक खान के द्वारा खुसरो खान का टाइटल, खुसरो खान की उपाधि दी गई थी। एंड विद इन मंथ्स खुसरो किल्ड मुबारक खान एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन इन द मिड 1320। लेकिन खुसरो जो था वो कुछ ही महीनों में मुबारक खान को मार देता है और खुद को क्या उपाधि ले लेता है, नसीरुद्दीन का उपाधि ले लेता है मध्य 1320 के ईस्वी में। अब आता है खुसरो खान का शासन। तो खुसरो खान वॉज किल्ड बाई गाजी मलिक, गवर्नर ऑफ दीपालपुर, वेन ही ट्राई टू अपोज अ रेबेलियन बाई गाजी मलिक एंड हिज सन फखरुद्दीन जौना। तो खुसरो खान को भी मार दिया जाता है किसके द्वारा, तो गाजी मलिक के द्वारा 1320 में ही। गवर्नर ऑफ दीपालपुर जो कि कहाँ का गवर्नर था, गाजी मलिक जो था वो दीपालपुर का गवर्नर था, उसी के द्वारा खुसरो खान को मार दिया जाता है। किस लिए मार दिया जाता है, तो वेन ही ट्राई टू अपोज अ रेबेलियन बाई गाजी मलिक। तो गाजी मलिक के जो एक विरोध उसने किया था, एक संघर्ष किया था, उसे इसने अपोज किया, उसका इसने विरोध किया, और उसके बेटे का भी जो एक रेबेलियन था, रिवोल्ट था, उसका भी इसने खुसरो खान ने विरोध किया। इस वजह से गाजी मलिक जो था वो खुसरो खान को मार देता है। दिस ब्रॉट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड इस्टेब्लिश द तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और खुसरो खान के मरने के साथ ही खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है और तुगलक डायनेस्टी जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा खिलजी डायनेस्टी में, तो हमने पढ़ा कि खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी जो कि उसका नेफ्यू था, भतीजा था और उसका पोता था। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर खुद शासक बन जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन जो था वो अपने शासन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। क्या क्या किया उसने, तो उसने दाग और चेहरा की प्रथा को लागू किया। 3 तरह के उसने मार्केट क्रिएट किए दिल्ली में, और उसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो, उसका एक महत्वपूर्ण एक फेवरेट दरबारी कवि था। उसके बाद आता है मुबारक खान। मुबारक खान के बाद अंत में आता है खुसरो खान, और खुसरो खान के साथ ही खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश का शासन।
तो गियासुद्दीन तुगलक जो था इसका फाउंडर था। इसका संस्थापक तुगलक वंश का जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इनका शासन चला। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, तो खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। तो खुसरो खान जो खिलजी वंश का सबसे अंतिम शासक था उसे गाजी मलिक के द्वारा मार दिया जाता है। गाजी मलिक असेंडर द थ्रोन अज्यूमिंग द टाइटल गियासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक जो था वो खुद को कौन सी उपाधि दे देता है, गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि दे देता है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मुहम्मद बिन तुगलक। तो जो गियासुद्दीन तुगलक था उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा जो था जौना जिसे उलुग खान कहा जाता है तो उसने एक नई उपाधि धारण की मुहम्मद बिन तुगलक का और वही अगला उत्तराधिकारी बन जाता है तुगलक वंश का। और पढ़ते हैं मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मुहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा 1325 से लेकर 1351 तक। प्रिंस जौना जो कि सोन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, जो प्रिंस जौना था जो कि गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था, यही सिंहासन धारण करता है 1325 ईस्वी में। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ही हैड 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर ही बिकेम पार्टिकुलरली डिबेटेबल। तो इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश किए, कुछ सुधार करने की कोशिश करने की कर किए। तो इसके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, 5 इसके परियोजना थे। कौन कौन से थे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 5 परियोजनाओं की वजह से ही ये अक्सर विवादों में रहता था। तो पहला जो था वो टैक्सेशन इन द दोआब, यानी कि दोआब के जितने भी क्षेत्र थे इसमें उसमें इसने टैक्स सिस्टम को लागू करना चाहा। तो सुल्तान मेड एन इल एडवाइज एक्सपेरिमेंट इन दोआब बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो सुल्तान जो था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो गंगा और यमुना के जो क्षेत्र थे उसमें ये टैक्स लगाने की एक इल एडवाइज यानी कि एक ना समझ तरीके की एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, यानी कि जिसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन बट ऑल्सो रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड सम एडिशनल अवाब सोर्सेस। यानी कि वो बस टैक्सेशन का रेट ही नहीं बढ़ाया, टैक्स का रेट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उस पर कई सारे और भी टैक्स और भी कई सारे उपकर भी लगा दिए जिसे अब वापस कहा जाता था। ऑल दो द शेयर ऑफ द स्टेट रिमेन एज इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इट वॉज फिक्स्ड आर्बिट्रेरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस। यानी कि यद्यपि कि ये टैक्स लगाया था लेकिन जैसा कि अलाउद्दीन के समय में था कि जितना आपका जमीन है उससे मतलब नहीं है, जितना जमीन है उस पर टैक्स लिया जाएगा, ना कि आपका कितना प्रोड्यूस होता है, कितना आपका उत्पाद होता है इस पे। प्राइसेस वाज आल्सो फिक्स्ड आर्टिफिशियली टू फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इनटू मनी। यानी कि जितने भी प्राइसेस थे, जितने भी मूल्य थे, ये भी फिक्स थे, किस लिए, फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इनटू मनी, यानी कि जितने भी उत्पाद होते हैं उसको पैसों में बदलने के लिए। इट इज सेड दैट द इंक्रीज वाज 20-fold एंड टू दिस वर एडेड गारी और हाउस टैक्स एंड द चरही फॉर पैस्चर टैक्स। यानी कि जो टैक्स था इसमें गाड़ी टैक्स यानी कि हाउस टैक्स घरों पे भी कर लगाया गया और चराही टैक्स यानी कि जितने भी चरने वाले पशु थे पैस्चर टैक्स लगाया गया, चरने वाले पशुओं पर टैक्स लगाया गया। द सुल्तान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवान ए कोही। यानी कि एक डिपार्टमेंट का, एक एग्रीकल्चर का, एक कृषि का एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया सुल्तान के द्वारा। कौन था सुल्तान? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक एग्रीकल्चर का नया डिपार्टमेंट भी शुरू किया गया जिसे दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय गिविंग डायरेक्ट हेल्प टू द पीजेंट। तो इस डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी जमीन है उस ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को खेती के अंदर लाना, कृषि के अंदर लाना, ताकि किसानों को डायरेक्ट हेल्प दिया जा सके। डायरेक्ट हेल्प देकर उन्हें, यानी कि डायरेक्ट हेल्प देकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर खेती कराई जा रही थी इस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसे दीवाने कोही के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो दूसरा परियोजना था वो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। 1327 में इसने अपने राजधानी को बदला। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप विच मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सून आफ्टर हिज एक्सेशन वाज द सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। यानी कि सबसे विवादास्पद इसके कदम क्या माने जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, जब इसने ऐसा निर्णय लिया कि ये दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को बदलना चाहता है। देवगिरी हैड बीन अ बेस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ तुर्की रूल इन
इन साउथ इंडिया, यानी कि सुल्तान जो था ऐसा चाहता था कि अभी तो हम दिल्ली से नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम देवगिरी में अपनी राजधानी बना लेते हैं तो हम साउथ इंडिया को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। देवगिरी वाज डॉज नेम दौलताबाद, और इसी वजह से देवगिरी को दौलताबाद के नाम का नाम रख दिया गया। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू अबैंडन दौलताबाद, यानी कि कुछ सालों के बाद उसने दिल्ली से तो देवगिरी अपनी राजधानी ला दी, लेकिन कुछ सालों के बाद उसे ऐसा लगा कि देवगिरी से जैसे हम साउथ इंडिया को कंट्रोल कर पाते हैं, नॉर्थ इंडिया पे हम नहीं कंट्रोल कर पाते, जैसे कि हम दिल्ली से साउथ इंडिया को नहीं कंट्रोल कर पाते थे, और इसी कारण इसने दौलताबाद को की राजधानी को जो था वो छोड़ दिया। मुहम्मद बिन तुगलक का जो तीसरा परियोजना था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। 1329 में इसने ये निर्णय किया कि जितने भी सिल्वर कॉइन्स उसके शासन में चलाए जाते थे तो सिल्वर कॉइन के समान वैल्यू वाला ब्रॉन्ज कॉइन्स को चलाया जाए। तो मुहम्मद बिन तुगलक माइट हैव बीन सक्सेसफुल इफ इट कुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉर्जिंग द न्यू कॉइन्स, ही वॉज नॉट एबल टू डू सो। यानी कि जितने भी उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स चलाए थे, यानी कि ब्रॉन्ज कॉइन्स चलाकर इसने ऐसा कहा कि ये सिल्वर कॉइन्स के बदले ही इनके वैल्यू होंगे, जितने सिल्वर जितना एक चांदी का सिक्का का वैल्यू होगा उतना एक ब्रॉन्ज सिक्का का वैल्यू होगा, लेकिन ये जो था वो ऐसा नहीं हो पाया, और जो ये नए सिक्के थे वो बहुत बुरी तरीके से इनका मार्केट में डिवैल्यू होने लगा। तो यानी कि मार्केट में इसके डिवैल्यू को देखते हुए, इसके मूल्य को गिरते हुए देखते हुए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो फाइनली डिसाइडेड टू विथड्रॉ टोकन करेंसी, यानी कि उसने यह निर्णय भी वापस ले लिया। ही प्रॉमिस्ड टू एक्सचेंज सिल्वर पीसेस फॉर ब्रॉन्ज कॉइंस, यानी कि ये भी उसने प्रॉमिस किया कि जो भी आप ब्रॉन्ज के सिक्के देंगे उसके बदले में आपको चांदी का सिक्का दिया जाएगा। अगला जो उसका परियोजना था वो था प्रपोज्ड खुसरो एक्सपेडिशन, यानी कि खुसरो के अभियान को भी उसने प्रपोज किया। तो सुल्तान हैड अ विजन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका जो ये विजन था कि वो पूरी तरह से सार्वभौमिक विजय प्राप्त कर ले, पूरी यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट उसे हो जाए। ही डिसाइडेड टू कॉन्करो खुसरन इन इराक एंड मोबिलाइज आर्मी फॉर द पर्पोज, यानी कि उसने इराक के क्षेत्रों पर, खुसरन के क्षेत्रों पर उसने अधिकार जमाना चाहा, और इसके इस प्रपोज को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने एक ह्यूज आर्मी को, एक बहुत बड़ी सेना को तैयार किया। ही वॉज इनकरेज टू डू सो बाई खुसरानी नोबल्स हु हैड टेकन शेल्टर इन हिज कोर्ट, और ये कार्य करने के लिए उसे इनकरेज कौन किया था, तो खुसरानी नोबल्स जो रहते थे उसके दरबार में उनके द्वारा। मोर ओवर देयर वॉज इनस्टेबिलिटी इन खुसरन ऑन अकाउंट ऑफ द अनपॉपुलर रूल ऑफ द अबू सेड द पुलिस प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो अबैंडन्ड। तो ये भी जो परियोजना था कि जो खुसरानी और ईरान पे अपना अधिकार जमाना, ये परियोजना भी उसके द्वारा वापस ले लिया गया। तो अपने अभी तक पढ़ा कि उसने जो था वो अपने राजधानी को बदला, उसने दुआब के क्षेत्रों में, गंगा यमुना के क्षेत्रों में टैक्स लागू किया, उसके बाद उसने खुसरो पे अपना अभियान जारी किया कि ईरान के क्षेत्रों पे वो अपना अधिकार जमा ले। अगला जो था वो उसका काराचील एक्सपेडिशन, यानी कि काराचील पे वो अपना अभियान जारी किया। द एक्सपेडिशन वाज लॉन्च्ड इन कुमाऊ हिल्स इन द हिमालयस एलिजली टू काउंटर चाइनीज इनकर्सन, यानी कि ये जो अभियान था ये कुमाऊ हिल्स में लगाया, हिमालयस में जो कुमाऊ हिल्स थे उन क्षेत्रों में ये अभियान चलाया गया। किस लिए? तो काउंटर चाइनीज इनकर्सन, यानी कि जितने भी चीनी आक्रमण थे इन सब से बचने के लिए। इट आल्सो अपीयर्स दैट द एक्सपेडिशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट सम रिफ्रैक्टरी ट्राइब्स इन कुमाऊ गढ़वाल रीजन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देम अंडर दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो कुमाऊ गढ़वाल के क्षेत्रों में जितने भी कुछ ट्राइब्स, कुछ जनजाति रहते थे उनके ऊपर भी अभियान चलाया गया कि इसलिए ताकि उनको भी दिल्ली सल्तनत के अंडर लाया जा सके। द फर्स्ट अटैक वॉज सक्सेस, यानी कि जो इसके द्वारा पहला आक्रमण किया गया वो तो सक्सेस रहा, बट वेन द रेनी सीजन सेट इन, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन खत्म हुआ, बारिश का मौसम खत्म हुआ, द इन्वेटर सफर टेरेबली, यानी कि जो भी आक्रमणकर्ता थे उन्हें बहुत ज़्यादा टेरेबली सफर करना पड़ा, भीषण रूप से उन्हें पीड़ित होना पड़ा, यानी कि वो नहीं सफल हो पाए, कुमाऊ गढ़वाल क्षेत्रों के जो जनजाति थे उन पे अधिकार जमाने में नहीं सफल हो पाया। हिज फाइव प्रोजेक्ट्स लेड टू द रिवोल्ट्स, हिज लास्ट डेज वर स्पेंट इन चेकिंग द रिवोल्ट्स, ऑल टुगेदर 36 रिवोल्ट्स इन 25 ईयर्स। तो इसके जो भी पांच परियोजना थे यही विरोध का कारण बने, और उसके जो अंतिम समय था हिज लास्ट डेज, यानी कि उसके जो अंतिम समय थे वो रिवोल्ट्स को ही देखते देखते बीत गए,
25 सालों में कुल उसने 36 विद्रोहों का सामना किया। 1335 में मदुराई बिकेन इंडिपेंडेंट जलाउद्दीन हसन शाह, तो 1335 में मदुराई का जो क्षेत्र था वो स्वतंत्र हो गया। 1336 में हुआ फाउंडेशन ऑफ विजयनगर हरिहर एंड बुक्का, यानी कि हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया, स्थापना किया गया। वारंगल बिकेन इंडिपेंडेंट जिसके की शासक हुआ कन्हैया। 1341 से 1347 के बीच में रिवोल्ट ऑफ सादा अमीस एंड फाउंडेशन ऑफ बहमनी एम्पायर इन 1347 बाई हसन गंगू, यानी कि सादा अमीस का भी विद्रोह हुआ और बहमनी साम्राज्य का जो हसन गंगू था उसने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया। ही डाइड इन थाटा वाइल कैंपेनिंग अ सिंध अगेंस्ट ताघी अतर्किसले, तो इसकी मृत्यु थाटा में हो जाती है जब ये एक ताघी के विरुद्ध सिंध में विद्रोह कर रहा था जो कि एक तुर्की गुलाम था। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला शासक जो था वो आता है फिरोज शाह तुगलक। तो ही वॉज अ कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का ये कजिन था फिरोज शाह तुगलक। आफ्टर हिज डेथ नोबल्स एंड थियोलॉजियंस ऑफ द कोर्ट सेलेक्टेड फिरोज शाह एज द नेक्स्ट सुल्तान, तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो उसके दरबार में जितने भी नोबल थे और जितने भी थियोलॉजियंस यानी कि जितने भी धर्मशास्त्री थे उनके द्वारा फिरोज शाह को अगला सुल्तान नियुक्त किया जाता है। आफ्टर हिज एक्सेशन फिरोज शाह वॉज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द इमिनेंट ब्रेकअप ऑफ दिल्ली, तो यानी कि जैसे ही उसने वो राजा बना तो उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी कि जो दिल्ली था, दिल्ली का जो क्षेत्र था उसे धीरे धीरे ये टूटता हुआ दिखने लगा। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू अपीज द नोबिलिटी आर्मी एंड थियोलॉजियंस एंड ऑफ असेटिंग हिज अथॉरिटी ओवर ओनली सच एरियाज विच कुड बी एजली एडमिनिस्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये एक तरीका अपनाया कि जितने भी नोबल थे, जितने भी उसके दरबार में सेना थे, जितने भी धर्मशास्त्र थे, इनको ये खुश करके रखना चाहता था, इन्हें ये खुश करता रहता था ताकि ये कुछ ऐसे ही क्षेत्रों पर शासन कर सके जिसका कि केंद्र से अच्छी तरह उस पर प्रशासन किया जा सके, यानी कि ये अपना अधिकार वैसे ही क्षेत्रों पर रखा जिन क्षेत्रों पर अच्छी तरीके से दिल्ली में ही रहकर अच्छी तरीके से उन पर शासन किया जाए। ही देयरफॉर मेड नो अटेम्प्ट टू रीअसर्ट हिज ओवर अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया एंड द डेक्कन, यानी कि ये फिर से कोई अपना दोबारा प्रयास नहीं किया साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत और दक्कन के क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाने के लिए। He decreed that whenever a noble died, his son should be allowed to succeed to his position, including his iktas. And if he had no sons, his son-in-law and in his absence, his slave was to succeed. तो इसने एक ऐसा फैसला किया कि जब किसी नोबल की मृत्यु हो जाती है उसके दरबार में से, तो उसका बेटा जो होगा उसका स्थान लेगा। अगर उसका बेटा नहीं है तो उसका son-in-law यानी कि उसका पोता जो है वो उसका स्थान लेगा। अगर वो भी नहीं है तो उसका जो गुलाम है वो उस नोबल का स्थान ले लेगा। फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी, यानी कि जितने भी आर्मी थे उसके जितने भी सेना थे उसमें वो वंशानुगत एक ऐसी प्रिंसिपल लगाई, वंशानुगत एक बनाई व्यवस्था जिसमें कि सोल्डर्स वेज अलाउड टू रेस्ट इन पीस एंड टू सेंड इन देयर प्लेस देयर सन्स, यानी कि जो भी अगर किसी कोई सेना है, कोई भी आर्मी है, कोई भी सैनिक है, अगर वो थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके जगह पे वो उसके अपने बेटी को भेज सकता है, खुद वो जाकर आराम कर सकता है। द सोल्डर्स वेर नॉट पेड इन कैश बट बाई असाइनमेंट्स ऑन द लैंड रेवेन्यू ऑफ द विलेजेस, यानी कि उन्हें कैश में नहीं, सोल्डर्स जो थे, सैनिक जो थे, उन्हें कैश में नहीं पे किया जाता था, जबकि उन्हें असाइनमेंट दिया जाता था लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस, यानी कि जो भी गाँवों से टैक्स आते थे, भूमि कराते थे, उससे उनको जो था वो लैंड असाइनमेंट दिए जाते थे। दिस नोबल टेक्निक ऑफ पेमेंट लेड टू मैनी अब्यूजेस, और ये जो तरीका था पे करने का सैनिकों को, इसे बहुत सारे गाली सुनने को मिला इसके वजह से। फिरोज ट्राई टू विन ओवर अ थियोलॉजियंस प्रोक्लेमिंग दैट ही वाज अ ट्रू मुस्लिम किंग एंड द स्टेट वाज हिम अंडर ट्रू इस्लामिक, और इसने थियोलॉजियंस यानी कि जितने भी धर्मशास्त्री थे इनके ऊपर ये उन्हें मोहना चाहिए, यानी कि विन ओवर, इनको फुसलाना जैसे कहते हैं, उस तरीके से उसने उन्हें थियोलॉजियंस को करना चाहा, धर्मशास्त्रियों को बताया कि वो एक सच्चा मुस्लिम किंग है, सच्चा मुस्लिम राजा है, और उसके अंडर जो भी स्टेट है, उसके अंदर जो भी साम्राज्य
राज्य है वो ट्रूली जो है वो पूर्णतः इस्लामिक स्टेट है। इन ऑर्डर टू कीप थियोलॉजियन सेटिस्फाइड ए नंबर ऑफ देम आर अपॉइंटेड टू हाई ऑफिसेस, यानी कि थियोलॉजियंस को धर्मशास्त्रियों को सेटिस्फाइड रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए उन्हें ये बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने दरबार में नियुक्त भी किया। ही ट्राइड टू बैन प्रैक्टिसेस विच द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर्ड एज नॉन इस्लामिक, यानी कि जितने भी कट्टरपंथी जो भी धर्मशास्त्री होते थे अगर वो किसी कार्य को कह देते थे कि ये नॉन इस्लामिक है, ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, तो वैसे कामों को वो बैन कर देता था। दस ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट ऑफ वर्शिप एट द ग्रेव्स ऑफ सेंट, इस वजह से फिरोज शाह तुगलक जो था वो महिला जो थी वो अगर किसी संतों के दरगाह पे जाती थी तो उन्हें बाहर जाने से वो रोक दिया, क्योंकि ऐसा कट्टरपंथी धर्मशास्त्री कहते थे और उन्हीं को खुश करने के लिए वो जो भी कहते थे कि ये गलत है उन चीज़ों को ये बैन कर देता था। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज दैट द जिजिया बिकम अ सेपरेट टैक्स, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जिजिया जो था वो एक अलग कर के रूप में उभर कर आया, अलग कर बनाया गया। फिरोज refused to exempt the brahmans from payment of jizya since this was not provided for in shariat, yani ki brahmanon ko bhi isne mana kar diya ki aapko bhi jizya ka tax dena padega। the new system of taxation was according to quran, yani ki jo naya tarika lagaya gaya tax system ka wo quran ke anusar tha। फोर काइंड्स ऑफ टैक्स सेंक्शन्ड बाई कुरान वेयर इम्पोज, यानी कि कुरान के द्वारा लागू किए गए चार टैक्स लगाए गए, वो कौन कौन से टैक्स थे, तो खराज, जकत, जिजिया और खाम्स। खराज क्या था, तो खराज वाज़ द लैंड टैक्स, भूमि कर था जिसे खराज कहा जाता था। विच वॉज इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि का जो भी उत्पाद होता था उसका 1/10 भाग जो था वो खराज टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। जकत जो था वो 2% टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति पे आपको 2% का टैक्स देना है जिसे जकत टैक्स कहा जाता था। जिजिया वाज लेविड ऑन नॉन मुस्लिम, यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम होते थे उन पे जिजिया कर लगाया जाता था। खान्स वाज 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वार, यानी कि जो खान्स कर था वो 1/5 जो भी जितने भी संपत्ति कैप्चर किए गए हैं लड़ाई के समय, वार के समय, उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। इन ऑर्डर टू इनकरेज एग्रीकल्चर द सुल्तान पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द एरीगेशन, यानी कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सुल्तान जो था वो, राजा जो था फिरोज शाह तुगलक, वो इरीगेशन पे, सिंचाई पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देता था। फिरोज रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ कैनल्स एंड इम्पोज हक ए शराब और हासिल ए शार्ब, जिसे कि वाटर टैक्स कहा जाता है। तो इसने यानी कि रिपेयर किया बहुत सारे नहरों को, और बहुत सारे नहरों को रिपेयर करने के साथ ही इसने वाटर टैक्स भी लगाया जिसे कि हक ए शार्ब और हासिल ए शार्ब नाम से जाना जाता था। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर इन द सिटीज ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद स्टैंड टू हिज क्रेडिट, यानी कि बहुत बड़ा एक निर्माणकर्ता भी था। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये जितने भी शहर हैं ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाए गए। द टू पिलर्स ऑफ अशोका, वन फ्रॉम टोपरा एंड अदर फ्रॉम मेरठ, वेयर ब्रॉट टू दिल्ली, यानी कि अशोका के दो स्तंभ जो कि पहला था टोपरा जो कि हरियाणा से था और दूसरा मेरठ जो कि यूपी से था, उसे दिल्ली लाया गया। द सुल्तान एस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली अ हॉस्पिटल डिस्क्राइब एज दार उल शिफा, यानी कि जो ये सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक था, इसके द्वारा दिल्ली में एक अस्पताल भी चालू किया गया जिसे कि दार उल शिफा के नाम से जाना जाता था। ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए खैरात वॉज सेटअप टू मेक प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, यानी कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे कि दीवान ए खैरात के नाम से जाना जाता था, और इस डिपार्टमेंट में जितने भी गरीब लड़कियां होती थी उनकी शादी कराई जाती थी। अनदर स्टेप विच फिरोज टुक वॉज बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन नेचर, अगला जो स्टेप था, अगला जो कदम था जो फिरोज शाह तुगलक ने लिया वो आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्ति का था। क्या था, तो ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर दैट व्हेन एवर दे अटैक्ड अ पैलेस दे शुड सेलेक्ट सम हैंडसम एंड वेल यंग बॉयज एंड सेंड देम टू सुल्तान एज स्लेव्स, यानी कि उसने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि कोई भी अगर महल पे वो आक्रमण करते हैं तो उसमें से जितने भी सुंदर सुंदर और नए नए जवान लड़के होते हैं उन्हें वो पकड़ करके ले आए और उन्हें सुल्तान का स्लेव बनाया जाए, सुल्तान का गुलाम बनाया जाए। However, his rule was marked by peace and tranquility and his credit goes for it his prime minister Khan-e-Jahan Maqbool।
लेकिन फिर भी इसका जो शासन काल था वो एक शांति के रूप में देखा जाता है। शांति से इसने अपने शासन काल को पूरा किया और इसका क्रेडिट किसके पास जाता है, तो इसका एक प्रधानमंत्री इसने नियुक्त किया था जिसे खान ए जहान मकबूल के नाम से जाना जाता था। और इसी को क्रेडिट दिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो भी शासन काल था वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। ही डाइड इन 1388 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। तो आफ्टर फिरोज शाह तुगलक 1388 टू 1414 यानी कि 1388 से 1414 के बीच में क्या हुआ, तो तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव मस्ट आफ्टर फिरोज शाह डेथ, यानी कि फिरोज शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश जो था वो पूरी तरह अच्छी तरीके से वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसके बाद वो नहीं टिक पाया। द मालवा गुजरात एंड सरकी किंगडम्स ब्रोक अवे फ्रॉम द सल्तनत, यानी कि मालवा का जो क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र था, सरकी यानी कि जौनपुर का क्षेत्र था, वो सल्तनत से अलग हो गए। तिमूर इन्वेशन यानी कि तिमूर का आक्रमण भी होता है इसी समय 1398 से 99 के बीच में। तो तिमूर द लेम ए टर्किश चीफ एंड क्रिवल कॉन्क्यूरर फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान, तो एक तैमूर आक्रमणकारी था जो कि मंगोलिया से था, एक क्रूर यानी कि एक क्रूर कॉन्क्यूरर था और ये क्या था, ये चंगेज खान का वंशज था। तो इसने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी कि मोहम्मद शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, इसी के शासनकाल के समय तिमूर का आक्रमण होता है भारत पर। तिमूर आर्मी मर्सीलेसली सेक्ट एंड प्लंडर दिल्ली। तिमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया लिविंग ए नॉमिनी नेम खिजर खान टू रूल द पंजाब। इन 1404 ही डाइड वाइल इन इज वे टू कॉन्क्योर चाइना, यानी कि तिमूर जो था वो बुरी तरीके से निर्दयतापूर्वक दिल्ली को लूटा और यहाँ से वो सेंट्रल एशिया की तरफ जब यहाँ से लूट कर वो जाने लगा तो वो खिजर खान को अपना एक नॉमिनी रखकर यहाँ गया पंजाब के क्षेत्रों पर शासन करने के लिए। लेकिन 1404 में जब ये चाइना को जीतने जा रहा था तो इसी क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही। तो ये था तुगलक वंश के बारे में। तो हमने आज पढ़ा खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में इस वीडियो में। तो तुगलक वंश का हमने अंतिम शासक देखा कौन था, मोहम्मद शाह तुगलक जो कि फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बना। तुगलक वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो कौन था, गियासुद्दीन तुगलक जिसे कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का जो पाठ है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।